पटना में आज पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर राजद दलित प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव सहित राजद के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने केंद्र और राज्य की दलित विरोधी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दलितों को जेल में शराबबंदी के नाम पर बंद करने और अम्बेडकर कल्याण छात्रावास की स्थिति पर नीतीश सरकार को घेरा। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सरकार पर भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री कौन लगा दिया लोगों, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जयंती के कौन लोग उसे लगा दिया लोगों शुभ अवसर पर आज एसी एवस्टी भाई के प्रदेश अध्यक्ष नीचे रखो लो नीचे प्रदेश पदाधिकारियों का जिला अध्यक्षों का और जिला प्रधान महासचिवों का आज बैठक है और इसमें हम लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है और फैसला किया है कि जो आगामी जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उस चुनाव में जो नीतीश कुमार जी जो दलित महादलित करके बांट दिए अभी नीतीश कुमार के राज में अभी 4.5 लाख दलित और महादलित के लोग जेल में शराब के नाम पर बंद हैं। अभी नीतीश कुमार जी के राज में अभी हमारा जो कल्याण छात्रावास है अम्बेडकर कल्याण छात्रावास पूरे बिहार में अभी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 6.5 लाख अभी हमारे बैकलॉग अभी पूरा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी बतावे कि पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में कितना शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब का डीएम है और एसपी है। नीतीश कुमार दलितों का ठगने का काम किए, जिस तरह केंद्र सरकार में जो निर्विपक्षी सरकार जो बैठी है वो कभी हम लोग को भय दिखा रही है, आरक्षण समाप्त करने का भय दिखाती है, कभी संविधान खत्म करने का भय दिखाती है। इसलिए जो एक दलितों में जो एक नेता है दलितों के अपने आप को मठाधीश समझने वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं लेकिन हम लोग होने नहीं दें। आज आदरणीय जो मठाधीश हैं उनको पूरे विपक्ष के जो साथी हैं उनसे मांग रहे हैं कि 9वीं सूची के पर हम लोग को विपक्ष को साथ देना चाहिए। मैं आदरणीय रामविलास जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे जब से देश आज़ाद हुआ जब से वो राजनीतिक में कदम रखे तब से माननीय 8 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर रहा और जो एनडीए में जो सूची है SC ST का वो 80 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। LJP में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नीतीश कुमार जी के पार्टी से भी 2 से 3 होंगे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल जोड़ दीजिएगा तो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी NDA में आज आरक्षण की समाप्त करने की बात की जाए।